हे एवरी वन वेलकम टू टूडेज केमिस्ट्री क्लास क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ जो फायरमैन की यूनिफॉर्म्स हैं उनको फायर प्रूफ बनाने के लिए उन पर कोटिंग की जाती है टेफलॉन की मेलेमाइन की पॉलीथीन की या फिर पी की तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बी मेलेमाइन की और इसी तरह टेफलॉन की कोटिंग की जाती है कुकवेयर्स पे जिससे कि उनको नॉन स्टिकी बनाया जा सके नेक्स्ट है सोडियम इज स्टोर्ड इन अब जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एयर के साथ इसीलिए सोडियम को हम स्टोर करते हैं कैरोसिन में नेक्स्ट है फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन अब जो फास्फोरस है वो एयर के साथ तो रिएक्टिव होता है बट वाटर के साथ नॉन रिएक्टिव होता है इसीलिए फास्फोरस को हम स्टोर करते हैं वाटर में ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है कोलतार कैरोसिन व्यूटामिन या फिर पैराफिन वैक्स तो अगर बात करें कैरोसिन की विटामिन की पैराफिन वैक्स की पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सारे ही किसके प्रोडक्ट हैं ये प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के और जो कोल तार है वो प्रोडक्ट है कोल का इसीलिए यहाँ पे पूछा इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम तो राइट आंसर आ जाएगा ए कोल तार नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज कौन सा केमिकल चेंज नहीं है बर्निंग ऑफ द कोल इन एयर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर तो इसका राइट right आंसर आ जाएगा कौन सा केमिकल चेंज नहीं है बर्निंग ऑफ कोल इन ईयर कैमिकल चेंज है ये भी कैमिकल चेंज हुआ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज अ के कैमिकल चेंज जो क्रिस्टेलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट है फ्रॉम सी वॉटर दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज राइट आंसर आ जाएगा टी नेक्स्ट है विच मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो कौन सी ऐसी मेटल है जो कैसी रहती है लिक्विड फॉर्म में रहती है तो जिंक है रेडियम है यूरेनियम है या फिर मरकरी है तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी मरकरी रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नेक्स्ट है कॉमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज कॉमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर या सोडा एश तो इसका राइट right आंसर आ जाएगा बी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा के आई नेम की बात करें तो इसका आई यू पी एस सी नेम आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फार्मूला क्या आ जाएगा इसका एन ए एच ओ थ्री ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूपीएससी नेम क्या आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फार्मूला आ गया एन ए एस सी ओ थ्री और कॉमर्शियल इसे क्या बोला जाता है बेकिंग सोडा नेक्स्ट है एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड इज कॉमनली यूज एज एसिटाइल सेलिसलिक एसिड को कॉमनली किस तरह यूज करते हैं पेन किलर की तरह सीडेटिव की तरह टीयर गैस की तरह या एक फर्टिलाइजर की तरह तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसे हम यूज करते हैं एज अ पेन किलर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उन्हें बनाने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है कॉपर कोबाल्ट आयरन या फिर निकल का तो उसका राइट right आंसर आ जाएगा सी आयरन का नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट है उसका सोर्स right क्या, क्या आ जाएगा बॉक्साइड आ जाएगा पायराइट कैलसाइड या इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कॉमन सॉल्ट क्या आ आ गया गया सोडियम क्लोराइड और इसका जो सोर्स है वो क्या आ आ जाएगा डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस अब कोल गैस है कोल गैस कहां से पाई जाती है किस तरह से या किसका प्रोडक्ट है कोल गैस जो है प्रोडक्ट है कोल, है है को, कोल का और इसका मेन कंस्टेंट की बात करें तो इसका मेन कंस्टोेंट आ जाएगा मिथेन राइट आंसर इज डी नेक्स्ट है द केमिकल्स एज ए फिक्सर इन फोडियम थियोसल्फेट सोडियम सल्फेट या फिर अमोनियम पर सल्फेट तो जो केमिकल है जिसे हम यूज करते हैं एज ए फिक्सर इन फॉस्फोरस वो क्या आ जाता है बी सोडियम थियोसल्फेट नेक्स्ट है व्हाट आर रूबीज

मॉडरेंट की तरह किसका यूज़ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम क्लोराइड का या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी मैग्नीशियम सल्फेट का आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क कौन से सिंथेटिक फाइबर को बोला जाता है कॉटन को रेन को ट्राइलिन को या नाइलॉन को तो जो कॉटन है वो क्या है नेचुरल फाइबर है बाकी क्या आ गए हमारे सिंथेटिक फाइबर और इनमें से अगर आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तो आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोला जाता है ये बोला जाता है रेयन को बी इज द राइट आंसर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग